नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची गुलियानी और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। दुनिया भर में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल चित्रकूट का नाम तो आपने सुना ही होगा। पहले धर्म नगरी में विश्व प्रसिद्ध हनुमान धारा मंदिर के लिए श्रद्धालुओं को 618 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था, लेकिन बाद में श्रद्धालुओं की राहत के लिए यहां रोपवे बनाने की तैयारी की गई, जो कि 25 दिसंबर साल 2020 में शुरू कर दी गई थी, जिसकी मदद से अब केवल 5 मिनट में लाखों श्रद्धालु पहाड़ की चोटी पर विराजमान भगवान हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, जिसके बाद अब रोपवे की सुरक्षा से जुड़ा मामला खड़ा हो गया है, जहां रोपवे ने श्रद्धालुओं की जान अटका दी है। दरअसल मामला गुरुवार का है, जब हनुमान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु रोपवे से चोटी की ओर जा रहे थे, लेकिन उस बीच जो हुआ वो डरा देने वाला था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह रोपवे एकदम से रुक गया, जिससे रोपवे में बैठे 40 श्रद्धालुओं की जान पर बन आई। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण लोग ना तो किसी को आवाज दे सकते थे और ना कुछ, जिसके बाद सूचना मिलते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और रोपवे प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर नारेबाजी की। बता दें कि रोपवे करीब 40 मिनट तक सांसद में फंसा रहा। फिलहाल रोपवे को फिर से अब शुरू कर दिया गया है और श्रद्धालुओं को फिर से हनुमान धारा के दर्शन करवाए जा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर रोपवे प्रबंधक विनीत सिन्हा ने कहा कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं, सुरक्षा के लिए ही रोपवे को रोक दिया गया था, क्योंकि हवा का बहाव काफी तेज था, जिस कारण रोपवे को रोकना पड़ा। हमारे रोपवे में बारिश और हवा को सेफ्टी लेकर चलाई जाती है। आज क्या हुआ, जब यहाँ से एलटीपी से लोग गए, उस टाइम पे तो उतनी तेज हवा नहीं चल रही थी, लेकिन अचानक से ऊपर 3 नंबर टावर से जाने के बाद अचानक से तेज हवा चली। तेज हवा चलने के कारण क्या है, हमारा सिस्टम टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम पे चलता है। उसके बाद तेज हवा चलने के कारण थोड़ी सी ड्रॉबैक आई सिस्टम के अंदर, एक रेड लाइट ऐसे जल गया, तो हमने तुरंत से सिस्टम ऑफ करके चेक करा। वहाँ यात्री को भी सांत्वना दी गई, करीब आधे घंटे से 40 मिनट के दरमियान यात्री को सांत्वना दी गई और सिस्टम को क्लियर करके चालू कर दिया गया। यात्री को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई और जो भी यात्री थे कुशल मंगल सब चले गए। अभी हमारा जो रोपवे का इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।